हम लोग के पास एक पिक्चर है, मैंने एक्सेल पर फिर से लिया है। फाइल पे जाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स करते हैं। मैं इसमें साइज 12, उसके पास हम लोग के पास एक फाइल खुल गया है। इसका फाइल का साइज 12 बाई 14 इंचेस है। सो इसमें मैं थोड़ा पेन बकेट यूज करके कुछ कलर, रेड कलर कुछ भी डाल, रेडी कलर डाल देता हूँ दिखने में, जो थोड़ा सा परफेक्ट रहे। उसके बाद पेन बकेट टूल दे रही है, इसमें ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद मैं फोटो में जाने वाला हूँ। फोटो को अनलॉक करने के बाद मैं ड्रैग करके उस फाइल पे लेके जाने वाला हूँ। ड्रैग करने के बाद उस फाइल पे लेके जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, पिक्चर को। आप लोग को जैसा अच्छा लगता है वैसे ही एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर को देख रहे हो कैसा लग रहा है। सो उसके बाद हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ टी प्रेस करके लिख सकते हैं। मैं डेफिनेशन, आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, मैं जी लिख रहा हूँ। जी लिखने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हो, और कंट्रोल को प्रेस करते हुए बड़ा कर सकते हो। अगर इसका क्वालिटी कभी वो हो जाता है तो आप लोग सी को प्रेस करके भी क्लिक कर सकते हो। सो इसमें जी लिखा हुआ है, जी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए किधर रखना चाहिए। टॉपिक क्लिक कर दीजिए। बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड कलर आप लोग रेड ले लीजिए, थोड़ा डार्क रेड ले लीजिए, क्योंकि थोड़े दिन सिलेक्शन हो जाएगा। बट उसके बाद लेयर को नीचे ले लेते हैं। लेयर को थोड़ा सा नीचे चला गया, लेयर को नीचे ले लेते हैं। उसके बाद उसमें कंट्रोल की प्रेस करते हैं, कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल की प्रेस कर देते हैं। देन हम लोग हाइड कर देते हैं इस लेयर को। फर्स्ट करने के बाद हम लोग लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाएंगे के बाद हम लोग लेयर मास्किंग पे जाएंगे। लेयर मास्किंग पे जाने के बाद वहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, सिलेक्शन पे जाइए। आप देख लीजिए लेयर, लेयर मास्किंग सिलेक्शन है थर्ड ऑप्शन पे। सिलेक्शन पे जाएंगे तो इसमें अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लिपिंग जैसा हो जाएगा। फिर हम लोग को नीचे वाले लेयर पे, टेक्स्ट लेयर पे आना है। उस पर कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं फिर से, जैसे कि ये सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें फर्स्ट लेयर में जाएंगे और ब्रश लोग को ब्रश एडजस्ट करने के लिए व्हाइट और ब्लैक ले सकते हैं। इसमें ब्रश के लिए वही परफेक्ट है, ज़्यादातर वही यूज कर लेते हैं, कोई भी कलर यूज करते। तो हम लोग ब्रश लेंगे, ब्रश के लिए ये एडजस्ट किया है। सो बी प्रेस कर लेते हैं कीबोर्ड में। सो उसके बाद ब्रश ले लेते हैं। ब्रश का साइज आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसे ही ले सकते हैं। ब्रश का साइज प्रेस करने के बाद या फाइव प्रेस करने से कंट्रोल आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा, ब्रश सेटिंग ओपन हो जाता है। सो उसके बाद ब्रश का साइज इंक्रीज कर लीजिए। होल ब्रैकेट रहता है कीबोर्ड में, ब्रैकेट ऑप्शन आप कर लेंगे तो उससे भी ब्रश का साइज बढ़ सकता है, बड़ा घटा सकते हैं। और मेक श्योर लेयर सिलेक्शन होना चाहिए, वरना वो पेंट नहीं होगा। देख लीजिए अभी। सो मैं इन्वर्ट करने वाला हूँ, सिलेक्शन पे जाके इन्वर्ट किया। उसके बाद थोड़ा इन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आप लोगों को मैं पहले अगर वीडियो में बता चुका हूँ, आपको अगर पता नहीं है तो लिंक नीचे है, सो उसमें जाके आप एक बार देख सकते हैं इन्वर्ट का मतलब मीनिंग क्या है। मैं उसमें बता दिया है, क्लिपिंग मार्क्स वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। वीडियो लेकिन पूरा देखना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को कुछ आइडिया आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश पेंटिंग कर रहा हूँ। अगर भाई अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना यार। लाइक करने में क्या जाता है, थोड़ी पैसा लगता है यार सब्सक्राइब करने में क्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें पेंट कर रहा हूँ, और भी पेंट कर रहा हूँ। अगर कुछ भी गलती हो रहा है तो कुछ भी परवाह नहीं है। आप एक्सप्रेस करने के बाद फिर से इन्वर्ट कर सकते हो, मतलब फिर से उल्टा तरीका से डिप, मतलब उसका आउटसाइड से भी पेंट कर सकते हो। देख लीजिए आउटसाइड से हो रहा है, अभी आउटसाइड से कर सकते हैं। इन्वर्ट करने के बाद ये लेयर का अंदर, वो टेक्स्ट का अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा गर्दन का नीचे कुछ छूट गया, थोड़ा सा ब्रश छोटा कर लेते हैं।
सो ये ब्रश पेंट कर लेते हैं। ब्रश हो रहा है, ब्रशिंग हो रहा है, ब्रशिंग हो रहा है। देख लीजिए थोड़ा सा लाइट, मतलब मेरे को डार्क ही चाहिए कैप, क्योंकि कैप में थोड़ा सा वाइट है, तो इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक आ गया, सो मैं एक्सप्रेसो के इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ नीचे तक। सो उसके बाद देख सकते हैं तो कितना थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है। चलिए आप जितना पिक्चर में जितना वर्क करोगे उतना ही पिक्चर बेटर दिखता है। एक बात याद रखना, आप जितना काम करते हो पिक्चर पे उतना ही अच्छा रहता है। दूसरा सॉफ्टवेयर भी है एलिस्टर बोल के, उसमें आप ऐसा कटअप कर नहीं सकते, कटअप कर सकते हो लेकिन दूसरा ही आइडिया रहता है, लेकिन इतना परफेक्टली नहीं। फोटोशॉप, लेकिन फोटोशॉप के लिए कंट्रोल डी प्रेस करके हम लोग ये सलेक्शन हटा सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग ह्यूज एंड सैचुरेशन एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पिक्चर को थोड़ा अच्छा दिखा देते हैं। इसमें लाइट डालते हैं, बहुत ही कलर भी चेंज कर सकते हो। एक्चुअली आप लोगों को कुछ भी हो, मैं कितना वीडियो डाला हुआ है आप देख रहे हो या नहीं, उसमें भी दिखाया है ह्यूज एंड सैचुरेशन कैसे चेंज करना है उसको। देख लीजिए बहुत, ये थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। सो पिक्चर में आप लोग जो मैं बोला है, पिक्चर में जितना वर्क करोगे उतना ही अच्छा दिखता है। सो इतना ही है वीडियो आज के लिए। लाइक और कमेंट्स करना, आप लोगों को क्या कन्फ्यूज है कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को कमेंट पे रिप्लाई।